नमस्कार मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर इस वक्त मैं रानिया सिरसा जिले की रानिया सीट पर हूं विधानसभा में और ये हॉट सीट है हरियाणा की 90 सीटों में जो हॉट सीट है वो है रानिया क्योंकि यहां पर ताऊ देवी लाल की विरासत चौथी पीढ़ी में लेकर के पहुंचे हैं अर्जुन चौटाला रानिया से मैदान में है बहुत सारी बातें करनी है इनसे कुछ खट्टी कुछ मीठी सब बातें होंगी सबसे पहला सवाल अर्जुन जी आप चौथी पीढ़ी देवीलाल की विरासत इस विरासत को आपको क्या भरोसा कितना भरोसा है कि उस विरासत को आप ले जा पाएंगे आगे तक क्योंकि आईएनएलडी पिछले ए, कुछ समय में कुछ वक्त में काफी नीचे गई है जो पार्टी हरियाणा के लोगों के दिल में बसती थी वो आज की तारीख में हरियाणा की राजनीति में एकदम हाशिए पर नजर आती है कैसे आप ताऊ देवीलाल की विरासत को फिर से जिंदा करेंगे जिंदा तो हम लोगों की सेवा करके करेंगे पीछे जाने का एक कारण है जिन लोगों पर हरियाणा के लोगों ने विश्वास किया था कि जन्ना एक चौधरी देवीलाल जी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे उनके विचारधारा को जो लोग आगे बढ़ाएंगे उन लोगों ने आम जनता को धोखा देने का काम कर हमने ना तो कभी किसी को धोखा दिया और चौधरी अभय सिंह जी की हमेशा से एक पहचान रही है कि जुबान के पक्के हैं जो बात कहते हैं वो सौ फीसदी करते हैं और अब की बार हरियाणा के लोगों ने वापस फैसला किया है

अब परिवार तो सबके होते हैं आपके भी भाई बहन होंगे सबसे बनती है आपकी जरूरी तो नहीं है कई बार ख्याल नहीं मिलते उसी प्रकार से जरूरी नहीं हमारे ख्याल मिलते हैं उनके ख्याल हमेशा से कांग्रेस की विचारधारा के रहे हैं और हमारे ख्याल हमेशा से जन्नायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा के रहे हैं जहाँ लड़ाई विचारधारा की होती है परिवार नहीं देखा जाता हम जनता की सेवा के लिए आए हैं किसी परिवार को राज़ी करने के लिए नहीं आए ना ही किसी और को कोई आगे बढ़ाने के लिए आए हैं हमने सेवा करनी है हमने काम करना है हमने जन चौधरी जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करना है देखा आपने अर्जुन चौटाला एक मजे हुए राजनेता की तरह से अब अब जो है हरियाणा में इनेलो की सियासत को आगे ले जा रहे हैं दरअसल अब हम एक अगले गांव की तरफ चल रहे हैं तो हम गाड़ी में आगे की चर्चा गाड़ी में हम करते हैं तो सफर आगे बढ़ाते हैं जरा अर्जुन चौटाला जी के बातचीत से पहली बात तो ये लगा मुझे आज पहली बार इस चौथी पीढ़ी के साथ मैं मुखातिब हूँ तो ये लगा कि हाँ मजे हुए अब राजनेता की तरह बात करते हैं अर्जुन चौटाला अगला सवाल लेकिन सवाल अब थोड़ा तीखे करते हैं आपने कहा कि कांग्रेस के विचारधारा के करीब जो भी हैं वो कहीं के भी हों आपस में भाई विचारों की लड़ाई तो विचारों की लड़ाई तो होनी है और होती है लेकिन जब विचारों की लड़ाई की बात आती है तो आज की तारीख में चंडीगढ़ से और दिल्ली तक पिछले दो दिनों से एक चर्चा है उस चर्चा पर जरूर आपकी तरफ से टिप्पणी आनी चाहिए कि इनेलो लोग बीजेपी की बी टीम के रूप में खेल रही है ये चर्चा कर कौन रहा है ये चर्चा वो लोग कर रहे हैं जो खुद बीजेपी को एक बार नहीं दो बार वॉकओवर दे चुके हैं ये चर्चा कौन कर रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं आप आपने मुझे मंजावा पॉलिटिशियन करार दिया मैं उम्मीद करता हूँ आप मंजबे पत्रकार हैं कभी आपने इतिहास में सुना है क्या कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी राष्ट्रीय स्तर कोई छोटी चीज़ नहीं है और हरियाणा में प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है ये भी कोई छोटी बात नहीं है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी राज्यसभा के चुनाव होते हैं और कैंडिडेट ही नहीं खड़ा करती और सीधा सीधा बीजेपी को वॉकओवर दे देती है इसके क्या मायने निकाले जाए आप बताइए आप खुद समझ रहे हैं अब ये कहते हैं कि हमें तो वोट नहीं मिल रहे थे आप एक चीज बताओ वोट चुनाव जब लड़ना शुरू करते हैं तब मांगे जाते हैं उससे पहले मांगे जाते हैं आपने प्रयास ही नहीं करा आज मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो नामांकन भर के घर तो नहीं बैठ गया मैं जा रहा हूँ लोगों के पास मैं प्रयास कर रहा हूँ लोगों को मना रहा हूँ तो क्या इनके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि वो किसी को मनाए हरियाणा में दस ऐसे विधायक थे जो जे के जो नाराज हो चुके थे भारतीय जनता पार्टी से और क्या कहते हैं आपके निर्दलीय विधायक थे जो बीजेपी से नाराज हो चुके थे मेरे पिताजी भी बीजेपी के हमेशा खिलाफ रहे हैं तो फिर इन्होंने प्रयास क्यों नहीं करा जब इतने सारे विधायक बीजेपी के खिलाफ हैं तो कैंडिडेट ना खड़ा करके सीधा सीधा वॉकओवर देने का क्या मतलब बनता है आप मेरे को यह बता दीजिए लेकिन इसमें एक सवाल और है मैं ताऊ देवीलाल दो किसानों के दो नेताओं का बड़ा सम्मान करता रहा हूं ताऊ ताऊ देवीलाल की पूरी पूरी सियासत और पूरा जीवन किसान और कमेरा इन्हीं के इर्द गिर्द था पूरी सियासी फिलॉसफी किसान और कमेरा की बात करने वाले ताऊ की पार्टी में अगर कभी भी आज ये भी बात हो रही है कि राज्यसभा चुनाव में आपके पिताजी ने भाजपा के का साथ दिया तो किसानों और कमेरा की बात करने वाले परिवार को एक पूंजीपतियों की पार्टी जिसे आज की तारीख में उस पर ठप्पा लगाया जा रहा है इस मामले पर क्या कहेंगे आपकी क्यों आखिर ऐसा हुआ कहाँ दिया भाजपा का साथ ये एक नेटिव बनाया जा, जा रहा है हरियाणा बनाया जा रहा है

जब हमारी बत्तीस सीटें होती थी हमने आनंद साहब को राज्यसभा के अंदर बकौर कैंडिडेट उतारा था कौन सी पार्टी के कैंडिडेट कांग्रेस के कैंडिडेट थे हमने समर्थन किया उनका और समर्थन वापस किसने लिया उनसे उन्हीं की खुद की पार्टी ने किसने लिया वापस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अजय माखन जी लड़े थे चुनाव किसने हराया उनको उन्हीं की पार्टी ने तो भाई ये बार बार राज्यसभा के अंदर भाजपा को कौन जिताया जा रहा है ये कांग्रेस जिता रही है हमने आज तक नहीं जिताया हम जहाँ पर खड़े थे हम हमेशा अपने स्टैंड पर खड़े रहे हैं मेरे पिताजी ने किसानों के लिए इस्तीफा दिया है हाँ इकलौते इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है इकलौते पूरे देश में एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला जिन्होंने किसानों के मामले पर इस्तीफा दिया था इसमें कोई दो राय नहीं है ये बात तो बिल्कुल तो ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि किसान इतिषी कहते हैं ये क्यों नहीं खड़े हुए किसानों के साथ आपको एक और चीज़ बताता हूँ ये जो कानून थे तीन किसान विरोधी कानून ये अध्यादेश आए थे आ, आपके क्या कहते हैं अक्टूबर से थोड़े समय पहले आए थे और नवंबर के अंदर जब विंटर सेशन था लोकसभा का और राज्यसभा का तो सेशन में जब भी कोई अध्यादेश आते है, वो सेशन में बिल के तौर पर पेश होता है अब राज्यसभा के अंदर मुख्य ऑपोजिशन पार्टी मुख्य पार्टी कौन सी थी कांग्रेस थी कांग्रेस थी पॉइंट परसेंट वोट्स किसके पास थे कांग्रेस के पास थे और कांग्रेस ने क्या करा जब ये बिल राज्यसभा के अंदर आया कांग्रेस ने वॉकआउट करा अब आप फिर मेरे को बता दीजिए हमने कहीं पर ग्राउंड दिया अपना बार 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 पता है क्या एक कहावत होती है जी जो सबसे ज़्यादा जोर जोर से चलाते है ना मैं चोर नहीं हूं मैं चोर नहीं हूं मैं चोर नहीं हूं वही चोर निकलता है हम अपने स्टैंड पर खड़े हैं हम अपनी लड़ाई में बिल्कुल मजबूती के साथ लड़ने का काम कर रहे हैं परिस्थितियां ऊपर भी गई हैं परिस्थितियां नीचे भी गई हैं लेकिन हमारा स्टैंड कभी नहीं बदला हम उस स्तंभ की तरह आज भी जहाँ खड़े थे वहीं खड़े, है। खड़े हैं आप खड़े हैं आपकी तरफ से अब तक कोई ऐसा इंडिकेशन कोई बयान भी नहीं आया लेकिन एक आपके एक साथी ने एक ऐसा बयान दिया नेशनल चैनल पर जो मैंने कहा दो दिन से दिल्ली से अगर चंडीगढ़ तक चलता है इसमें आपकी भूमिका नहीं आपकी पार्टी की भूमिका नहीं लेकिन आपके दोस्त की भूमिका जो आज दोस्त हैं हालांकि वो दोस्त रहे नहीं है वो आज दोस्त हैं उन्होंने ओपनली कहा खुल के कहा इवन अपनी जिम्मेदारी नहीं ली इन लोगों की भी बसपा की भी सबकी जिम्मेदारी ले ली वो सबकी जिम्मेदारी ले, ले लिए गोपाल कांडा गोपाल कांडा ने कहा कि नहीं हाइट्रिक भाजपा लगाएगी हर हाल में हम साथ हैं सरकार बनाएंगे साथ जाएंगे और कुछ भी इनडायरेक्ट नहीं था सीधा था ये बेसिकली इस जो बयान जो आया और सार्वजनिक रूप से आया कैमरे में रिकॉर्ड हुआ इसके बाद फिर कहाँ गुंजाइश बचती है इस बात को हरियाणा जानना चाहता है इसकी भी गुंजाइश आपको बताता हूँ भूपेंद्र सिंह हुडा का कार्यक्रम हुआ था सिरसा में तो आपको पता है स्टेज पर नारे किसके लगाए गए प्रकाश चौटाला जिंदाबाद तो क्या मैं मान वो हमारे साथ है अपने फतेहबाद से प्रत्याशी बलवान सिंह दौलतपुरिया जी वोट मांग रहे थे कांग्रेस के कैंडिडेट हैं पर जब वोट मांगने की बारे तो उन्होंने बोला चश्मे का बटन दबाना एक दिन आप जैसे ही पत्रकार साथी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इंटरव्यू ले रहे थे और गाड़ी में बैठते बैठते वो खुद बोल गए भाई बीजेपी की सरकार बनेगी तो फिर बन गई अरे मुँह से तो किसी के कुछ निकल जाता है कोई आदमी किसी संगठन में कितना ही टाइम लगा ले क्या बड़ी बात है इसके अंदर ये चीज़ें तो कोई बड़ी बात नहीं है स्पष्ट बात यह है आज अगर आप गोपाल कांडा जी से दोबारा पूछो आपका दायित्व बनता है हर पत्रकार साथी का बनता है अगर उनके मुंह से निकले तो कंफर्म कीजिए जब आप कंफर्म करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो मुंह से निकली हुई बात है असल में आज भी फैसला इन एलो बसपा और हलोपा का हम ही लेने का काम करेंगे और ये हमारा आज एक पूरी तरह से हमने एक फैसला ले रखा है भाई हम किसी के भी द्वार पर नहीं जाएंगे नहीं इसमें एक बात और भी मैं साफ समझना चाहूंगा देखिए इस ये, ये तीन पार्टियों के गठबंधन में ऑब्बियस सी बात है आज की तारीख में सीटें अगर हम ना गिने तो ओवरऑल सीनियर पार्टनर इसमें बड़ा स्टेक होल्डर इनेलो है इसमें कोई दो नहीं है हलोपा मैं किसी को छोटा और बड़ा नहीं बता रहा हूँ लेकिन हलोपा एक दो सीटों वाली पार्टी है इनेलो पैन हरियाणा पार्टी रही है बसपा हरियाणा में पार्टनर के तलाशती और पार्टनर के साथ आई है क्या ये फैसला ये माना जाए कि अलग अलग बयानबाजी कुछ भी गोपाल कांडा कर दें या कोई भी व्यक्ति क्या इन तीनों के बीच में ये एकमत नहीं होना चाहिए कि फैसला तो इनेलो करेगी इनेलो ही कोई ऑफिशियल बयान देगी देखिए फैसला तो हम ही करेंगे और हम ऐसे लोग नहीं है जो अकेले के फैसला करते हम सबको साथ लेके करते हैं पर अब बात तो वही हो होगी ना जी अब मुँह की निकली वो बात तो आप थोड़ी बदलोगे अब यही चीज आप ओडा साहब से भी पूछ लो कांग्रेस वालों से भी पूछ लो भाई आप क्यों लगा रहे हो चौटाला साहब का नारा बकायदा मंच पर लगे हैं हाँ तो फिर इसका मतलब वो है, फैसला हमने ही लेना है और संगठन का और गठबंधन का फैसला भी हमने ही लेना है और हमने मिल कर के लेना है कोई अगर हमारी तरफ से ये बात कह भी दे तो मेरे को लगता है जी आपको उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि संगठन के फैसले संगठन के आदमी मिल के लेते हैं ओके बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए लेकिन अब आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं दस साल में हरियाणा कहाँ खड़ा है भाजपा भी थोड़ी सी बात हो जाए दस साल में हरियाणा कहाँ खड़ा है क्योंकि भाजपा का प्रचार तंत्र ये बता रहा है कि हरियाणा में के इतिहास में इतना काम नहीं हुआ जितना दस साल में हुआ खट्टर ने हरियाणा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी है कितनी बदली तस्वीर कितनी बदली तकदीर और उस तस्वीर और तकदीर से इन लोगों की तस्वीर और तकदीर भी जुड़ी हुई है तो आप बताइए जरा वाकई कितनी बदली है तस्वीर और तकदीर इनकी तकदीर तस्वीर से हमारा कोई लेना देना नहीं इतना मैं ज़रूर आपकी बात से जो इन्होंने बोला है उनकी एक बात से तो सहमत हूँ इन्होंने तकदीर का तो नहीं कह सकता तस्वीर जरूर बदली है हरियाणा की नुकसान करा है हरियाणा का थोड़ा नहीं करा बहुत ज़्यादा नुकसान करा है और जो ये गिनाते हैं के भी हमने ये काम कर दिया हमने वो काम कर दिया देखो जी काम मैं पांच सौ गिना दू मैं गांव में आज अभी आके कह दू मैं तो पांच करोड़ देकर जाऊंगा गांव में दिए तो नहीं करा तो नहीं कहां से दिखता है काम जब काम होता है तब काम दिखता है बोलने को तो आज कुछ बोल दो आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आज हम सिरसा जिला में बैठे हैं तो यहां पर एक मेडिकल कॉलेज अनाउंस हुआ भाजपा की सरकार ने करा आठ साल पहले अनाउंस किया था अब उन आठ साल में दो बार तो राष्ट्रपति बदल चुके हैं पहली बार रामनाथ कोविंद जी आए थे और उन्होंने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा नींव पत्थर रखा और बोला भाई दो साल में शुरू कर देंगे फिर चार साल गुजर गए उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो गया द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बन गई फिर वो भी सिरसा आई उन्होंने भी वही उसी जगह पर जा कर के एक नया फाउंडेशन स्टोन लेकर भी नई राष्ट्रपति आए नया फाउंडेशन स्टोन रख दिया और बोला दो साल में हो जाएगा अब उस बात को भी तीन साल हो गए हैं साल बाद उनका भी कार्यकाल खत्म हो जाएगा वो फाउंडेशन स्टोन आज तक वहीं का वहीं पड़ा है एक ईंट नहीं लगी है फिर क्या करेंगे ऐसी अनाउंसमेंट का हम ये तकदीर और ये तस्वीर बनाई है बीजेपी ने हरियाणा की कहीं काम ही नहीं हो रहे आप आज गाँव के अंदर जाओ जहाँ एक गाँव की गली एक बड़ी बेसिक चीज़ होती है आज गांव में अगर गली बनवानी पड़ती है इन्होंने ऐसा प्रोसेस बना दिया है इनके हर चीज़ में पोर्टल हर चीज़ में पर्ची इतना लंबा प्रोसेस कर दिया गांव की एक गली बनानी हो अगर आपने तो छः छः महीने लग जाते हैं आठ आठ महीने लग जाते हैं आप क्या मानते हो जी गाँव की गली रातों रात बननी चाहिए सरकार के पास वो ताकतें होती हैं इन्होंने बुरा हाल कर दिया हरियाणा का इन्होंने हरियाणा के किसान को देश के सबसे कमजोर किसानों में से एक बनाया जबकि हमारे प्रदेश का किसान इस देश का सबसे मजबूत किसान होया करता था हमारे प्रदेश का मजदूर इस देश का सबसे मजबूत मजदूर होया करता था पर कैपिटल इनकम में हम पंजाब की बराबरी करा करते थे आज हरियाणा कहाँ पर है अड़तीस प्रतिशत बेरोजगारी पर हरियाणा आ चुका है यह हाल इस बीजेपी ने हमारा कराया आज क्राइम रेट की अगर बात करोगे तो दिन प्रतिदिन क्राइम रेट बढ़ा है एक इंक्रीज है क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अंदर ये मेरे आंकड़े नहीं है ये इन्हीं की मिनिस्ट्री इन्हीं की होम मिनिस्ट्री से ये आंकड़े निकल के आते हैं जो विधानसभा के अंदर पब्लिश होते हैं आज हरियाणा का इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया आप किसी भी बॉर्डरिंग जाके गांव में चले जाओ चिट्टे से बुरा हाल हो रखा है आज प्रदेश का इन्होंने आज तक करा क्या है अरेस्ट होते हैं ये चिट्टे बेचने वाले गांव की फिन्नी पर ले जाके उनको छोड़ देते हैं और बोलते हैं जाओ जी वापस जाओ क्या ये होता है इन्होंने पीढ़िया का नाश कर दिया हमारा बदुआ लग रही है इन लोगों को हमारी नहीं उन माँ की बदुुआ लग रही है जिनकी आगे पीढ़ी जिनके बच्चों को जिनकी मौत में आज सबसे बड़ा हाथ अगर है तो इस प्रशासन का हाथ है क्योंकि जो लोग ये चिट्टा बेच रहे हैं नशा बेच रहे हैं आज तक उनको रोक नहीं सके ये बदुुआ लगेगी ये एक माँ की बदुुआ इन लोगों को लग रही है नहीं आपने जो कहा मैं तो रानिया आते हुए देख लिया सड़कों की हालत देख लिया लेकिन मोदी जी का भाषण हुआ यहाँ पर शंखनाद किया चुनावी शंखनाद मोदी जी ने कहा कि हरियाणा में जब से हरियाणा बना इतने लोग आए शासन के सबने हरियाणा को लूटा है सिर्फ हरियाणा में अगर काम हुआ तो दस साल में हुआ है यानी जब सबने लूटा तो उसमें तो मैं बाकी सब के नहीं उसमें तो ताऊ देवी लाल भी हैं आपके दादाजी भी मुख्यमंत्री रहे पूरा परिवार सबसे बड़ा तो सबसे लंबे वक्त तक मतलब सबसे ज़्यादा अगर मौका मिला तो ताऊ को उसके बाद आपके पिताजी को दादाजी को तो उन पर भी सीधा आक्षेप है कि, कि किसी ने हरियाणा को नहीं सबने लूटा है सिर्फ खट्टर को छोड़ के खट्टर ने बना दिया देखो जी इन्होंने तो कुछ करा करा है नहीं और जहाँ रैया के कार्यकाल की बात होती है जहाँ मेरे परदादा जी की बात होती है आज पूरे प्रदेश में कोई ये कह नहीं सकता कि उन्होंने जनता की सेवा नहीं करी आपको भी पता है मुझे भी पता है आज दुनिया भर में देश भर में नहीं दुनिया भर में उनका नाम है वो बिना सेवा करे तो नहीं होता बिना लोक ला n... आज उनको जननायक कहा जाता है तो बिना जनता की सेवा करें आपको ये नाम नहीं मिलता आपको ये टाइटल नहीं मिलता जहाँ मेरे दादाजी की बात होती है उनको विकास पुरुष कहा जाता है हरियाणा के इतिहास में सबसे ज़्यादा नौकरियाँ मेरे दादाजी ने लगाई हैं हरियाणा के इतिहास में रोडवेज़ के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट मेरे दादाजी के कार्यकाल में हुई है हरियाणा के इतिहास में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल सबसे ज़्यादा नहरें सबसे ज़्यादा उद्योग और ये मैं नहीं कहता आंकड़े निकालिए आपको आंकड़े साफ दिखाएंगे, दिखाएंगे। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने करा है तो वो मेरे दादाजी ने करा है और ये जो बात बार बार कहते हैं मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने निरंतर और प्रदेशों में भी और हरियाणा में भी बनी बनाई जनता की सरकारों को तोड़ने का काम करा है हमारा राज तो पाँच साल चला है पूरा नहीं, और नहीं। उससे पहले पाँच साल जन्नाई चौधरी देवीलाल का दो बार ये मौका मिला है हमने तो दो बार में इतना काम करा है जितना ये बीस बार में नहीं कर सकते और रही बात ये अपने कार्यकाल गिनाती है तो आप तो दिल्ली गुड़गांव के आसपास जाते होंगे आपने देखा होगा जब बारिश का मौसम आता है गुड़गांव कैसे भर नहीं जाता पानी से भर जाता है ना इन्होंने आपको पता है गुड़गांव का नाम जब गुरुग्राम करा था कितने रुपए लगाए थे साढ़े चार सौ करोड़ नाम बदलने के लिए लगा दिए सीवेज नहीं लगा सके ये क्या कर लोगे नाम बदल के नाम तो चाहे गोबर रख दो काम नहीं करोगे तो फायदा क्या लोगों का ये नाश इस बीजेपी पार्टी ने लोगों का करा है बहुत सारी बातें आ गई कुल मिलाज सबसे बड़ी बात जो कही पूरे चर्चा में खुलासा है खुलासा ये है कि दो राष्ट्रपति आए दोनों ने पत्थर रखे यानी दस साल में हरियाणा की तकदीर पर पत्थर रख दिया गया यही बात अर्जुन चौटाला जी ने कहा बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको राजनीतिक भविष्य के लिए धन्यवाद हम चलते हैं अगले पड़ाव पर